नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बारिश के मौसम के लिए होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों को बहुत अच्छे से कवर करती है और बहुत सारी प्रॉब्लम आप इस मेडिसिन से घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बारिश के मौसम में कई बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द होना, जकड़न होना, बॉडी एक होना, सोट होना, सर्दी जुकाम हो जाना, या शरीर में खुजली की समस्या हो जाती है, रैशेस आने लगते हैं, पित्ती उछल जाती है, या कभी कभी किसी को ग्लैंड्स में स्वेलिंग मिलती है, आँखों में सूजन आ जाती है, या कोई पुराना ऑपरेशन हुआ है वो दर्द करने लगता है। जब इस तरह की समस्या इस मौसम में बढ़ जाती हैं तो इस टाइम पे द स्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम में द स्टॉक्स किस तरह से कारगर है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द स्टॉक्स मेडिसिन पॉइजन आईवी प्लांट से बनी हुई होती है। यह प्लांट एनाकार्डियसी फैमिली का होता है और इस प्लांट में एक बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे शरीर के फाइबर्स टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, यदि शरीर में पेन हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या स्किन की कंप्लेंट आदि है, इन पे बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए इस प्लांट से बनी हुई मेडिसिन द स्टॉक्स इन सारी फील्ड पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह मेडिसिन जॉइंट पेन पे कैसा काम करती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मेडिसिन का काम मसल्स पे, टेंडॉन्स पे या फाइबर्स टिश्यूज़ पे अच्छा है, इसलिए जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या जोड़ों का दर्द हो, तब इस मेडिसिन को देने से पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। यह उस तरह के पेशेंट्स में अच्छा काम करती है कि जब पेशेंट बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और एकदम से खड़ा होता है, उसके पैरों में या जोड़ों में दर्द होने लगता है, हाथों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, तब यह मेडिसिन अच्छे से रिजल्ट देती है। और इसमें एक चीज़ और है कि यदि कोई बहुत ही पैदल लंबी यात्रा पे गए हैं, जैसे कई लोग तीर्थ करते हैं, तो उसके बाद जब वो अपने जगह पे आते हैं तो उनके बहुत पैरों में दर्द होने लगता है, या रात को ओवर एग्जर्शन के कारण भी कई बार पैरों में दर्द होने लगता है, तब भी स्टॉक्स 30 की यदि पोटेंसी देते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्किन पे। जब बारिश के मौसम में गीले होने के कारण या वातावरण की नमी के कारण बॉडी में शीत गर्म की समस्या हो जाती है, खुजली आने लगती है, रैशेस हो जाते हैं, अर्टिकेरिया या पित्ती की समस्या हो जाती है और पेशेंट को बहुत इंटेंस इचिंग होती है, लाल कलर के ददोड़े जैसे हो जाते हैं, मैंने अर्टिकेरिया पे एक फुल वीडियो बना रखा है। यदि आप अर्टिकेरिया या पित्ती उछलने को और आगे डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। फीवर की कंडीशन में भी इसका अच्छा रोल है। जब बारिश के मौसम में पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया है, पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो रहा है, उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, टंग में भी बहुत ज़्यादा कोटिंग दिख रही है और उसके साथ साथ पेशेंट को कॉर्नर ऑफ लिप्स में या माउथ में उसको फीवर ब्लिस्टर्स हो गए हैं और उसको रेशेस भी आ रहे हैं, पूरे शरीर में खुजली चल रही है, तब यदि आप रस्टॉक्स 30 की पोटेंसी फ्रिक्वेंट डोजेस में देते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, यदि बारिश में भीगने के कारण किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, नज़ला, छींकें आना शुरू हो गया है, गले में टिकलिंग हो रही है, सोट हो गया है, बॉडी एक भी साथ में बना हुआ है, कभी कभी उसको लगता है कि चेस्ट में कफ जमा हो गया है, वो निकल नहीं पा रहा है, और ये सब बारिश के मौसम में भीगने के कारण या डैम्प कोल्ड वेदर में रहने के कारण यदि हो रहा है इस मौसम में, तब रस्टॉक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बैकएक की कंडीशन में भी यह मेडिसिन का अच्छा रोल है। जब पेशेंट एक ही मूवमेंट बार बार रिपीटेड कर रहा है, या उसको गर्दन वाले हिस्से में या दोनों शोल्डर के बीच वाले हिस्से में या कमर के हिस्से में यदि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जकड़न बनी हुई है, और उसको कंटिन्यूड मोशन से तो फिर भी आराम है, लेकिन बिस्तर से उठते से ही उसकी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, और सिकाई करने से यदि आराम मिल रहा है, यदि इस तरह के पूरे सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आप रस्टॉक्स दे सकते हैं। रस्टॉक्स को हम तब भी दे सकते हैं जब कोई पुरानी चोट में दर्द होने लगा है, या कोई पुराना ऑपरेशन या सर्जरी हुई है उसके बाद वहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ
सुन्नपन बना हुआ है, झुनझुनी आ रही है या सूजन भी आ गई है। दोस्तों ओवरऑल जब बारिश के मौसम में भीगने के कारण या कोल्ड डैम्प रेनी वेदर में रहने के कारण पेशेंट को तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, उसकी तकलीफ ओवर एग्जर्शन से बढ़ रही है, उसको आराम करने से या सिकाई लेने से या ड्राई वेदर से आराम मिल रहा है, पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो रहा है, ये सारे सिम्टम यदि मॉडलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं तो रस्ट्रॉक्स अपने 100% रिजल्ट देती है। दोस्तों यह थी होम्योपैथिक मेडिसिन रस्ट्रॉक्स। यदि आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यह मेडिसिन कारगर है और ये जो टिप्स हैं आपको यूज़फुल लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।